हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्लीजिंग पैलेट, क्योंकि स्वाद ज़रूरी है, जहां लाती हूं मैं आपके लिए बहुत ही इजी, डिफरेंट या डिलिशियस रेसिपीज़। तो आज हम बनाएंगे दही लेमन चिकन, और उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत एक झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चिकन के मैरिनेशन के साथ। तो यहाँ मैंने लिया है एक बाउल, बाउल में डाला है 300 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन, 150 ग्राम्स ऑफ दही, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर, 1.5 टेबलस्पून गार्लिक, 1 लेमन जूस, स्वाद अनुसार नमक, और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर क्रश करके डाला है, आप चाहें तो बाजार का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला के 20 और 30 मिनट्स के लिए ढक के रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम है आप 1 आवर के लिए भी रख सकते हैं। अब यहाँ करेंगे प्रिपरेशन। यहाँ लिया है मैंने पैन, पैन में डाला है 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते, और इन सबको अच्छे से मिलाइए। अब यहाँ डालिए 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक। गार्लिक को हम तब तक अच्छे से मिलाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो। अब 30 सेकेंड्स मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर जूलियंस, इसको भी हम 10 सेकेंड्स के लिए मिलाएंगे, और साथ में डाल देंगे हमारे मैरिनेटेड चिकन। अब क्योंकि हमने चिकन में पहले से ही लेमन डाल रखा है, तो हमारा पूरे प्रोसेस में गैस लो पे होना चाहिए, और 2-3 मिनट्स के लिए हम इसको अच्छे से स्टर करेंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। यहाँ मैंने फिर से ब्लैक पेपर को क्रश करके डाला है, आप चाहें तो बाजार की ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको एक अच्छा सा स्टर देकर इसको 7-10 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। अब मैंने लिड हटाई है, 10 मिनट्स हो चुके हैं और चिकन काफी हद तक टेंडर हो चुका है। अब यहाँ मैंने एक स्लरी बनाई है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ थोड़ा सा पानी मिला के, और ध्यान रखिएगा स्लरी में लम्स ना पड़े। इसको आप अच्छे से एक बार ही स्टर कीजिए। अब आप देखेंगे स्लरी डालते ही चिकन थोड़ा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो ग्रेवी को थोड़ा वाटरी रखने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही बॉइलिंग वाटर डाला है, आप पानी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, और 2-3 मिनट्स के लिए स्टर करिए। और बस तैयार है हमारा दही लेमन चिकन। आप इसको इंजॉय कर सकते हैं बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ, या परांठे के साथ, नहीं तो ऐसे ही। तो ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय।